इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली से केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और सभी पार्टियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों के सभी दलों के नेताओं के साथ होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन के मुद्दे पर पीएम मोदी बातचीत करेंगे और सभी पार्टियों से बात करेंगे। कोरोना पर विपक्षी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं के साथ आज सरकार की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और साथ में सभी पार्टियों से भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना वैक्सीन के मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे, सभी पार्टियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। तो सभी पार्टियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में कोरोना पर विपक्षी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं के साथ बैठक आज। कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। दरअसल इस बार सरकार नए अवतार में दिखाई दे रही है। वह देश के बाहरी और भीतरी मुद्दों पर तमाम दलों को साथ लेने और संतुष्ट करने की कोशिश करती यहां नजर आ रही है। तो सरकार देश के सुरक्षा हालात पर पूर्व रक्षा मंत्रियों के ब्रीफ करने के बाद एक बार फिर विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश में जुट गई है। चले इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत दीक्षित जी, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। किरण, मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह से मानसून सत्र का आगाज हुआ था और जिस तरह से वहां सदन में, दोनों सदनों में, राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की, श्रद्धांजलि देते समय जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने नए मंत्रियों का जब परिचय कराए थे उस दौरान जो हंगामा हुआ, लगातार जो आप देख रहे हैं देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो बार बार चेतावनियां आ रही हैं उसको लेके कैबिनेट ने यह तय किया है कि कम से कम विपक्षी जो जितने संसदीय दल के नेता हैं उनके साथ बैठकर एक बार पूरे मौजूदा हालातों पर बात की जाए, उनको प्रेजेंटेशन दिया जाए, साथ ही बताया जाए कि ऐसे हालातों में सिर्फ चर्चा हो सकती है बहस करने की, क्योंकि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं हो सकती। इसको लेके ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और मायने रखने वाली है इनम, और इसके प्रधानमंत्री सहित कई जी हमारा संपर्क अभी टूट गया है। तो बहुत शुक्रिया गीत दीक्षित जी पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं के साथ अब बैठक होगी और आज कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे।